हाईवे जान खड़ी है, पता नहीं इतनी हाइक का है किस बात की होगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। नहीं सो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि ये हेलमेट में जो मैंने माउंटिंग की थी उसका माइक का जरा इशू आ रहा था। सो माइक इशू की वजह से मैंने एक एडाप्टर परचेस किया है। सो इस एडाप्टर को हम लगाएंगे और मेरे पास एक माइक्रोफोन है 3.5 mm जैक का। सो उसमें लगा के देखेंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस टाइप का अपने पास माइक्रोफोन है। इसको लिए हुए मैंने कम से कम 6 से 7 महीने हुआ है, बट मैंने यूज नहीं किया था प्रीवियसली। मैं जब व्लॉग करता था तब यूज करता था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? इसमें 3.5 mm के जैक है, बट अपना मोबाइल टाइप सी होने की वजह से हम ये टाइप सी टू 3.5 mm जैक का एडाप्टर लेना पड़ा। अब देखते हैं इस एडाप्टर का यूज करके कि इस माइक से अपने मोबाइल में से वॉइस कैसे कैप्चर होती है। सबसे पहले हमें इस हेलमेट की पैडिंग उतारनी पड़ेगी, क्योंकि पैडिंग के अंदर मैंने ये अपना हेडफोन ठूसा था। सो वो पैडिंग उतरते फिर अपना माइक्रोफोन उसके अंदर ऐड करते हैं। इस टाइप से इसमें लॉक होते हैं हेलमेट के अंदर। सो उस लॉक को ओपन करके हमें पैडिंग उतारनी पड़ती है और माइक एडजस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो कैप है उसके अंदर से मैंने माइक डाला था और यहाँ से आपने बाहर निकाला था। सो अभी उसको बाहर निकालेंगे। कुछ इस टाइप से यहाँ पर माइक की एडजस्टमेंट की गई है गाइस, और यहाँ से आप देख सकते हैं वो पिन बाहर आ रही है। अभी हम अपना टाइप सी टू 3.5 mm एडाप्टर उसमें लगाने वाले हैं। कुछ इस टाइप से हमारा सेटअप दिखता है गाइस। वाओ गाइस देखिए, अब मैं इसमें मोबाइल लगाऊंगा और उसके साथ ही वो एडाप्टर भी अटैच करके देखूंगा और देखूंगा कि वॉइस कैसी आ रही है। हेलो माइक चेक। वाइजर बंद करने के बाद कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा है। वाइजर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आवाज़ आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज हम मोटो व्लॉगिंग का सेटअप का आई डोंट नो कितवा या कौन सा कब का ट्राई कर रहे हैं, बट देखेंगे अभी ट्राई करके। मैंने अपने घर में एक माइक था उसको अटैच किया है और 3.5 mm जैक टू टाइप से अडेप्टर लेके देखते हैं अभी ये कैसा वर्क करता है। आई होप सो ये अच्छे से वर्क करे। माइक की प्लेसिंग बहुत ही मैंने मुँह के पास की है, सो आवाज़ ज़रा फटने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। देखते अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। देखेंगे कि रिक्शा वाला ऑलवेज ऑन खड़ी है, पता नहीं इतनी हाइक का है किस बात की होगी। मीनवाइल बे साले तभी मेरा माफ करना हो, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। यही हमारा टी स्पॉट है। आता ये मध्ये चल लवकर मध्ये छपरे 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 ड्रायव्हर बोल। चलो मेरे गाइस, चलो गाइस आज तो तूफानी करते हैं। यो 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 चलो गाइस चले जीवने कधी येणार आहे? आता कुठे चाललंय? ये लवकर मला वाटतं व्हॉइस ओव्हरच करावं लागतं वाटतं। व्हॉइस ओव्हर व्हॉइस ओव्हर नंतर आवाज टाकायचा। वाव
One eternity later. Good morning guys, this is very next day. अब हम मोटो लॉगिंग सेटअप का अगला टेस्ट करने वाले हैं. सो मैंने कुछ फेर बदल किया है मोटो लॉगिंग सेटअप के अंदर. माइक के अंदर रुई टोस दिए. आई थिंक उस रुई के वजह से मे बी विंड ब्लास्ट नहीं आना चाहिए. अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने एडजस्ट किया है. कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो आप माइक के सामने रुई लगाई है. उसके ऊपर वो माइक का ऑलरेडी जो कॉटन था वो लगाया है. आपको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं. अब हम चेक करते हैं. सबसे पहले बाइक को आप कोल्ड स्टार्ट करेंगे. जब तक ये वार्म होती तब तक हम अपना सेटअप लगा लेते हैं. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ. मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब अपना सेटअप लगा लेते हैं. ये अपना माइक अडैप्टर और ये अपना लॉगिंग का सेटअप. यहाँ पर आप देख सकते हो अपना सेटअप लग चुका है. इस तरीके से अपना टाइप सी टू 3.5 mm जैक भी लगा दिया है. इस टाइप से अपना मोबाइल होल्डर का भी सेटअप लगा दिया है. अब चेक करते हैं अपनी वॉइस. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. तो हमारा ये मोटो लॉगिंग सेटअप का सेकंड वाला टेक शुरू हो चुका है. मतलब ये वेरी नेक्स्ट डे है गाइस. उस दिन मैंने जितना रिकॉर्ड किया था उतना मतलब टेक से आया था, बट वही अपना विंड का इशू ही आ रहा था. तो अभी क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा जुगाड़ मारा है, कॉटन यूज़ किया है. अब देखते हैं विंड की नॉइस आती है या नहीं. और अभी मेरा वाइजर ओपन है, इसके वजह से विंड नॉइस आती होगी. वाइजर डाउन करने के बाद देखते हैं कैसे आवाज़ आता है. चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. फेल्योर फेल्योर फेल्योर, कोई बात नहीं, अभी भी फेल हुए हैं, फिर भी हम अभी हिम्मत नहीं छोड़ने वाले. शाबाश बेटा. अरे ओ माय गॉड, मैंने तो फोर्थ गियर पे गाड़ी रुकाई थी. ओके, न्यूट्रल कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है बाइक. अभी मैंने क्या किया है, लास्ट टाइम में जो जुगाड़ किया था, मतलब पैडल के अंदर मैंने माइक डाला था, तब जरा आवाज़ अच्छा आ रहा था. अच्छा, अभी माइक के ऊपर मैंने कॉटन भी लगाया है पैडिंग के ऊपर, मतलब पैडिंग के अंदर अभी मैंने माइक खोल दिया है. तो चेक करते हैं कैसे वॉइस आती है. अच्छी लगाने के बाद ही का समझ में आया कि विंड नॉइस आ रहा है या नहीं. और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि विंड कहाँ से आ रही है. हेलमेट में बहुत सारे सो इस बार के टेक में भी विंड नॉइस आ ही रही है. मे बी आई थिंक वेंटिलेशन का ही कुछ इशू है, क्योंकि वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट के ऊपर आ रही है या फिर ये वाइजर के ऊपर से वॉइस डायरेक्ट ट्रांसफ़र होके मोबाइल के ऊपर आ रही है. सो उसकी वजह से भी मे बी हो सकता है, पर देखेंगे. और एक जुगाड़ है मेरे पास, मैं अभी वो जुगाड़ ट्राई करने वाला हूँ. अपना जो पुराना वाला माइक है उसी को मैं लगा कर अपने मास्क के अंदर डालने वाला हूँ. तो देखते हैं उसमें अगर विंड नॉइस आती है नहीं आती है, उसको चेक करके देखेंगे. अगर उसमें नहीं आती तो बेटर है. देखते यार, कोशिश करना तो अपना काम है, कोशिश तो करते ही रहेंगे. चलो अभी तो कोई सेटअप मतलब सेटिंग चेंज तो नहीं किया है मैंने, जैसे ही वैसे ही है. तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा. बहुत सारे आइटम्स अभी फेल हो गए. सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैंने एक बार पुराना वाला माइक यूज़ कर रहे तो उस माइक को मैं अपने मास्क में डालने वाला हूँ और ये हेडफोन अपने मोबाइल से कनेक्ट करने वाला हूँ. तो देखते हैं इसमें कैसी वॉइस आती है. सो ये वाला सेटअप ज़रा वेट लग रहा होगा, पर मैंने मास्क के अंदर अपना माइक छुपा दिया है, वो दिख रहा नहीं होगा अभी. और अब यहाँ मैंने मुँह के पास अपना माइक छुपा दिया है, तो उसको मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँगा और ये अपना टाइप से वाला पिन उसके अंदर लगा दूँगा. अभी देखते हैं कैसा होता है. सो मैंने माइक की सेटअप कर ली है, अभी देखते हैं वॉइस कैसी आ रही है. मैं वाइजर डाउन करता हूँ, उसके वजह से विंड कम आएगी. सेकंड गियर में गाड़ी न्यूट्रल कर लेता हूँ. ओके, तो अब चलते हैं. आई होप यार वॉइस अच्छी आए, आगे जाके बात करते हैं. अगर बेसिकली देखा जाए तो R15 V3 की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो बहुत बड़ी वीडियो है. R15 V3 V4 V1 जितने भी R15 के मॉडल थे उसके ऊपर मैंने एक बड़ी बड़ी वीडियो बनाई है, जो भी जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ. बहुत बड़ी वीडियो है, कम से कम 10 मिनट की वीडियो है. तो आप ज़रूर से देखिए हिस्ट्री के बारे में, मतलब कैसे R15 प्रोडक्शन में आई,
किसने यूज़ किया, मतलब डिज़ाइनिंग किसने की, ये सब मैं उस वीडियो में बताया हूँ। अभी आगे जाकर उसमें देखते हैं कि वॉइस कितनी आ रही है। एक बार ट्राई किया था कि मोबाइल पे अगर आप किसी से बात कर रहे हो हेडफोन लगा के और अगर कोई क्लॉथ बांधते हो तो आपको विंड ब्लास्ट नहीं आती अगर आप बाइक भी चला रहे हो। तो यहाँ पर अभी रुक के हम चेक करेंगे कैसी आ रही है वॉइस। अभी हमने क्या किया है, मोबाइल ही चेंज किया है। देखिए अगर मोबाइल का कुछ इशू आ रहा है, अगर माइक लगा के भी कुछ ऑडियो कैप्चर हो रहा है तो देखते हैं मोबाइल चेंज करते। मैंने मेरे पापा का मोबाइल लिया है सैमसंग गैलेक्सी, सर गैलेक्सी नहीं है, ना नहीं यार सैमसंग का एम आई थिंक 11 मोबाइल है। देखते हैं इसमें विंड नॉइस आती है या नहीं। मुझे लगता है मेरा मोबाइल का ही कुछ इशू है क्योंकि वो ज़्यादा ऑडियो कैप्चर कर रहा है इधर उधर की, तो ज़्यादा दूर नहीं जाते यहाँ पर ही आगे जाते हैं और देखते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है। आई होप इसकी आवाज़ अच्छी से आए, रिकॉर्डिंग अच्छी सी हो यार। मैं बहुत परेशान, कुछ सजेशन दे दो यार कमेंट बॉक्स में, आप बताओगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। कैसा माइक ऑर्डर कर दिया फिर नया वाला, प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल सजेशन गाइस प्लीज। अब मेरे को वोटो ब्लॉगिंग करना है भाई, भी आया था ये आगे पे आप रुक के देखेंगे अपनी ऑडियो शुड हैपेंस। गजब बेइज्जती है, रुको का लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।